हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि मुझे लगता है कि परसेप्शन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी में. अंडरस्टैंड उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहिए. दैट्स वाई एक्चुअली आई एम गिविंग परसेप्शन एज अ डिफरेंट डिफरेंट वीडियो ऑल्सो. और आपको भी एक साथ एक वीडियो देखने की अनकम्फर्टेबलनेस जो होती है उससे दूर रहना पड़ेगा. आप आराम से सेकेंड पार्ट देख सकते हैं अलग से, आपको पूरा वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत. परसेप्शन में क्या बताया था मैंने, इम्पोर्टेंट. हाँ, फर्स्ट था मोटिवेशन, परसीवर का मोटिवेशन. सेकंड उसके एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन. थर्ड परसेप्शन सेट्स. थर्ड कॉग्निटिव स्टाइल. कॉग्निटिव स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप कौन से कॉग्निटिव स्टाइल यूज़ करें, फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट. हालांकि मैंने पर्सनली देखा कि अगर आप फील्ड डिपेंडेंट यूज़ करते हैं तो वो आपको बेटर वे में बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है. फील्ड डिपेंडेंट का मतलब है कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप व्हाट इज़ द रोल ऑफ परसीवर इन परसेप्शन. पहले तो आपने याद किया मोटिवेशन, अलग से याद किया. देन एक्सपेक्टेशन था. थर्ड कॉग्निटिव स्टाइल अलग से. फिर कल्चर बैकग्राउंड अलग से. एक है फिर आपने वापस सोचा पूरा हाउ दैट इट इज़ परसीवर इज़ इम्पोर्टेंट परसेप्शन. आपने अब अच्छे तरीके से एक पूरा बाकी जो चार पांच पॉइंट है वो सारे एक साथ याद किए. डेट इज़ एक्चुअली फील्ड डिपेंड. आपने ऐसे होल लिया, आपने ये नहीं माना कि सिर्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट बट कि उसका कॉग्निटिव स्टाइल भी इंपॉर्टेंट है. वो दूध नहीं पी रहा सुबह सुबह, दूध लेने के लिए मोटिवेटेड नहीं है. इसलिए सिर्फ इसलिए उसने नहीं सोचा कि अंकल के दूध वाला आ गए या अंकल नहीं आए, कोई और भले ही कोई और आए, बल्कि उसका कॉग्निटिव स्टाइल भी इस तरीके का है. उसने एक इमेज बनाई, एक्सपेक्टेशन, इस चारों चीज़ें एक साथ काम करी. तो आप हमेशा फील्ड डिपेंड. हालांकि पर्सनल व्यू है आपका, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. आप हो सकता है फील्ड इंडिपेंडेंट ही याद करते हो, एक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. कल्चर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है परसेप्शन में. इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था, हडसन ने किया था. उसमें उन्होंने क्या हुआ कि कुछ जो ट्राइबल पीपल थे उनको एक पिक्चर दिखाई और पूछा कि इसमें भी क्या है. आपको खास बात ये होगी, वो डियर को नहीं पहचान सके जिसको वो मार के खाते थे, जिसकी वो हंटिंग करते हैं, उसको पिक्चर में नहीं पहचान पाए. तो कल्चर बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप ये जो तस्वीरें होती है ना, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये आपको बचपन से दिखाई जाती है. देखो ये मम्मी है, पापा है, ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, इस तरह चाचा चाची. तो आपको बचपन से उसकी प्रैक्टिस होती है, तो आप इसलिए बड़े पे भी पहचान पाते हैं. अगर आपको ज़िंदगी 25 साल कुछ भी नहीं दिखा और अचानक आपको एक पिक्चर दिखा दी जाए कि देखियो इसमें पहचानो तुम कौन हो, तुम आप खुद का चेहरा नहीं पहचान पाओगे. और इसमें एक एक्सपेरिमेंट है एस्किमो. एस्किमो क्या, जो बर्फ़ होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को पहचान लेते हैं. हमारे लिए सारी बर्फ़ एक जैसी होती है, चाहे फ्रिज की बर्फ़ हो, चाहे बाहर जो मार्केट में मिलती है वो बर्फ़ हो, मतलब आइस जो है, इस तरीके से. अब प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन. परसेप्शन वही वाली बात मैंने जो आपको बोला कि आप हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसे होल किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं. आप मोबाइल को करेंगे या टॉप डाउन प्रोसेसिंग करें चाहे बॉटम अप प्रोसेसिंग करें, आपको होल को आइडेंटिफाई तो करना ही करना है. आप पहले करें चाहे बाद में करें, विदाउट दैट कि आप परसीव नहीं कर सकते. आप ये नहीं बोल सकते कि एक बटन, दो बटन, चार बटन, एक एक कांच की स्क्रीन, एक ग्लास की स्क्रीन, ऐसे नहीं बोल सकते. आपको बोलना पड़ेगा मोबाइल है, आपको बोलना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर है. सो दैट इज़ एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन. और उसको बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू अ मीनिंगफुल होल. जैसे टेबल, डेस्क टेबल, पढ़ने की टेबल, वर्क टेबल, ऑफिस टेबल. अब आपको कैसे पता चला, आप उसका फॉर्म परसेप्शन किया ना कि जो ऑफिस टेबल पे उस पर क्या होगा, जो आपकी स्टडी टेबल होगी उस पर क्या क्या होगा. डैट इज़ एक्चुअली फॉर्म परसेप्शन. अगर मतलब एक तरह से स्टिमुलस पहचानना. द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल इज नोन फॉर्म परसेप्शन. अब जो परसेप्शन में सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है, जाहिर सी बात है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट. आपने सुना होगा या आप सुनेंगे कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट. इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी दैट दैट द परसेप्शन इज ऑफ ए होल, नॉट ऑफ द इट्स पार्ट्स. और परसेप्शन कंस्टिट्यूट द होल, नॉट ओनली द पार्ट. हम जो भी कभी परसीव करेंगे तो हम होल को आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि पार्ट्स को. क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तो कुछ और चीज़ भी बन सकती है. बहुत सिंपल. अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वी परसीव डिफरेंट स्टिमुलस नॉट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल दैट कैरीज अ डेफिनेट फॉर्म. अब उसमें लॉज क्या कहते हैं, एक तो गुड फिगर है कि हम जब भी कुछ आइडेंटिफाई करेंगे एक गुड फिगर आइडेंटिफाई करेंगे. हम ये नहीं बोलेंगे 8 8 3 6, हम आप उसको स्पेसिफिक नाम देंगे कि ये
ट्री है, मान लीजिए ट्री का एक खास डायमेंशन होता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि एक ब्रांच है लेफ्ट साइड में, दूसरी ब्रांच राइट साइड में है, ये नहीं बोलेंगे। तो लॉ ऑफ प्रेगनेंस होता है हमेशा। गुड फिगर, आपने बोल दिया ट्री, एक फिगर जनरेट हो गया कि हाँ ट्री इस तरीके का होता है, अब वही है। सेकेंड होता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप और फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन, बोल सकते हैं रिलेशन। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप होती है, वो हमें बताती है कौन सा फिगर है कौन सा ग्राउंड है, मतलब उसके पीछे का बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आप किस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको कोई चीज़ अलग से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई डॉल रखी है, तो आपको डेट इज़ एक्चुअली फिगर, और पीछे जो दीवार है डेट इज़ अ बैकग्राउंड। अब आप अपने डॉल को इमेजिन करिए तो आप पहचानेंगे डॉल, टेडी बियर, या आप अपने कंप्यूटर को इमेजिन कीजिए तो आप पहचानेंगे कि एक जो कंप्यूटर है उसका एक खास स्पेसिफिक कंट्रोल है ना, पहला ये। और जो बैकग्राउंड है वो रनिंग है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब आपके पीछे की जो दीवार है उसका कुछ कंट्रोल नहीं है, पीछे पर्दा वर्दा जो भी लगा हुआ है उसका कुछ खास। जब आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंप्यूटर और आपके पीछे बैकग्राउंड में, तो इस तरीके से जो है जो फिगर, तो इसलिए आपका कंप्यूटर फिगर हो गया। फिगर क्या है, कंप्यूटर नज़दीक है, फिगर हमेशा नज़दीक होता है, फिगर की एक बाउंड्री होती है। जो जो फिगर होता है वो सेपरेट होता है बैकग्राउंड से, भले दीवार पे एक पेंटिंग बनी हो, अगर आपको दीवार की पेंटिंग को फिगर मानना है तो वो कंप्यूटर उसका एक काउंटर होगा, उसकी एक शेप होगी, लेकिन बैकग्राउंड की नहीं होगी, दीवार को नहीं आप कुछ शेप में मानेंगे। जी देन अदर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी, अगर दो चीज़ें साथ है तो आप बोलेंगे एक ग्रुप है। जैसे मान लीजिए एक लड़का लड़की साथ चल रहे हैं, तो आपने दोनों को साथ बैठ के देखा तो आप बोलेंगे हस्बैंड वाइफ, जैसे पर्टिकुलर ग्रुप, डायडिक ग्रुप बोलते हैं। तो मान लीजिए टीचर स्टूडेंट, लेट्स से डायडिक ग्रुप। अब टीचर, अगर टीचर 20 फुट दूर खड़े और स्टूडेंट भी स्टूडेंट से, तो आप नहीं बोल सकते कि वो टीचर स्टूडेंट है, आप बोलेंगे ठीक है एक तरफ एक इंसान खड़ा है, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट खड़ा है, बस सिंपल अलग है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, दो भाई हैं साथ चल रहे हैं, प्रिंसिपल सिमिलैरिटी। आप मान लीजिए दो मोबाइल आपके सामने रखे हैं, आप बोलेंगे ये एक मोबाइल, दोनों मोबाइल हैं ग्रुप है। एक अगर दोनों में सिमिलैरिटी नहीं हुई, एक एक तरफ मोबाइल रखा है दूसरी तरफ वॉच रखी है, तो आप दोनों को एक ग्रुप का मानेंगे, बोले नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि कुछ लाइन ड्रॉ करी गई, अब उस पर से एक और लाइन ड्रॉ कर दी, मान लीजिए आप उसमें कट भी लगा देते हैं लेकिन वो एक तरीके से कंटिन्यूटी में मेंटेन करते हैं, बीच में कट है फिर भी आप कहेंगे एक लाइन है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस, जो स्मॉल होता है उसको हमेशा फिगर माना जाता है, कभी भी देख लीजिए आपकी टेबल पर रखी कोई भी स्मॉल चीज़, डेट इज ए सेपरेट फिगर। पेन भी रखता है तो डेट इज ए सेपरेट फिगर। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, जो सिमेट्रिकल एरिया होता है उसको हमेशा फिगर मानते हैं, जैसे दीवार पर पेंटिंग, सिमेट्रिकल एरिया डेट इज ए फिगर। प्रिंसिपल ऑफ सराउंडनेस, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से सराउंड होगी तो डेट इज ए सेपरेट फिगर। जी प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, क्लोजर में मैंने बताया ना एक लाइन है, जैसे कट भी लगा हुआ हो तो आपको आप क्या होगा उसका स्टिमुलेशन कंप्लीट करेंगे, जो उसके बीच की जो डेफिशिएंसी उसको अपनी तरफ से भर देंगे। जैसे इसमें जो ट्रायंगल आपने देखा है, इसको बेसिकली ट्रायंगल नहीं है, बेसिकली तीन अलग अलग लाइनें जो इस तरीके से बनी हुई है ट्राइंगल शेप में, लेकिन जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन क्या हुआ जैसे मैंने परसीव किया तो मैंने उस गैप को भर दिया, जो उसके बीच का गैप है मेरी स्टिमुलेशन मैंने अपनी तरफ से भर दिया। सो परसीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। देन परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है साइकोलॉजी में, पूछा जाता है ये हर जगह पूछा जाता है। पहले तो परसेप्शन ऑफ डेप्थ डिस्टेंस एंड स्पेस, क्या ये सब चीज़ें एक ही है, जब हम थ्री डायमेंशन में किसी चीज़ को परसीव करते हैं डेट इज एक्चुअली परसेप्शन ऑफ स्पेस डेप्थ और डिस्टेंस। द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड, ब्लू कलर में आपने देखा होगा ना जो मैंने हाईलाइट किया, द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड इन थ्री डायमेंशन इज कॉल्ड डेप्थ डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन। और डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन में जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मोनोक्यूलर क्यूज एंड बायनोकुलर क्यूज। बायनोक्यूलर क्यूज जो हम दोनों आंखों से देखते हैं, मोनोक्यूलर क्यूज जो हम एक आंख से भी देख सकते हैं, ये होता है बायनोक्यूलर क्यूज। जो मैंने पहले सबसे पहले किया मोनोक्यूलर क्यूज, इसको साइकोलॉजिकल क्यूज भी बोलते हैं, पिक्टोरियल क्यूज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हम एक आंख से देख सकते हैं। दूसरा एक एक्चुअल पिक्चर बनाने में जो पेंटर्स थे इसका बहुत यूज़ करते थे, ताकि हम पिक्चर में डेप्थ परसीव कर सकें, पिक्चर में हम देख सकें क्या चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं। डेट इज़ वाइस इट इज़ ऑल्सो पिक्टोरियल क्यूज। इसमें रिलेटिव साइज़, अगर साइज़ छोटी हो गई और साइज़ बड़ी हुई, उससे हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, छोटा है वो दूर है पास है। जैसे इसमें देखेंगे आपको दूर के पेड़ बहुत नज़र, दूर जो दूर का पेड़ है वो छोटे दिखाई दे रहे हैं, पास नज़दीक का पेड़ बड़ा दिखाई दे रहा है, इस इमेज से हम पता लगाते हैं।
कि डेप्थ परसेप्शन, डिस्टेंस परसेप्शन कि कौन सी नज़दीक है कौन सी दूर है, इंटरपोजिशन ओवरलैपिंग, जब भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर कर देगी तो जो चीज़ कवर कर देती है वो नज़दीक नज़दीक परसीव होती है, और जो चीज़ कवर हुई है वो दूर पता चलेगी। जैसे आप अपनी आँखों के सामने, मान लीजिए आपके सामने दो चीज़ें, आप अपने आँखों के सामने मोबाइल ले आइए और पीछे दीवार, अब क्या हुआ, मोबाइल इज़ एक्चुअली बिकॉज वो इंटर पोजिशन है दीवार के ऊपर, कंप्लीट नहीं थोड़ा बहुत ही है, तो इसलिए आपको मोबाइल नज़दीक परसीव होगा। लीनियर पर्सपेक्टिव, जो जो डिस्टेंस में जब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत पास होते हैं, दे अपीयर क्लोज टू यू, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होंगे, कभी भी देख लीजिएगा कहीं भी देखिएगा ऐसा होगा, तो डेट इज़ कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव। फिर है एरियल पर्सपेक्टिव, और एरियल पर्सपेक्टिव में जो दूर की चीज़ होती है वो थोड़ी सी हमें धुंधली दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई देगी, जो पास की चीज़ होगी हवा में आप देखेंगे या आप कहीं भी देखिए, आप ट्यूबलाइट देखिए, डेट इज़ एक्चुअली बहुत नज़दीक है तो आपको एरियल पर्सपेक्टिव बीच में। अब आप ट्यूबलाइट देखिए कहीं किसी मंदिर पर या कहीं बहुत दूर किसी पोल पर जो लाइट जल रही है, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी, डेट इज़ एरियल पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ एरियल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हवा में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है। लाइट एंड शेड, इससे भी हम दूर और नज़दीक और पास का पता करते हैं। रिलेटिव हाइट, एक दूसरे से हाइट कितनी ज़्यादा या कम है, जब जिसकी हाइट ज़्यादा दिखेगी वो कम हमें नज़दीक परसीव होगा, जो हाइट कम दिखाई देगी वो दूर परसीव होगा। टेक्सचर ग्रेडियंट, अगर टेक्सचर ग्रेडियंट में मतलब डेंसिटी ऑफ टेक्सचर ग्रेडियंट बहुत हाई है, इसका मतलब चीज़ दूर है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। बायनोकुलर क्यूज में तीन क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है अकोमोडे, पहला है रेटिनल और बायनोकुलर डिस्पैरिटी, हमारी आँखों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर। इसके कारण क्या होता है कि हमारी आँखों पे जो इमेज, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो अलग अलग बनती है। अगर आप आई में देखेंगे, जो मैंने सेंसेशन बताया था उसमें था, हमारी एक्चुअली आई भी हमारी दो भागों में डिवाइड होती है, लेफ्ट आई और राइट आई। राइट आई भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, जो लेफ्ट आई है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। और जो हमारी राइट साइड की आई है वो दोनों तरफ के लेफ्ट, जो हमारी लेफ्ट फील्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन लेती है, जो राइट साइड की लेफ्ट साइड की वो उसकी वो लेफ्ट फील्ड की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड होता है, नेजल हाफ एंड टेम्पोरल हाफ। इसमें भी है कि जो जो लेफ्ट साइड का जो जो टेम्पोरल हाफ है, जो लेफ्ट साइड का टेम्पोरल हाफ है और राइट साइड का नेजल हाफ है, तो एक ही फील्ड की इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे इस तरीके से। सेकेंड इज़ कन्वर्जेंस, जब भी हमारी कोई चीज़ नज़दीक होगी हम देखेंगे हमारी आंखें उसकी तरफ बैंड हुई हैं, जब दूर होगी तो हमारी आंखें बिल्कुल सीधी होंगी, जो मतलब जो हमारी पुतली जो आप आईलेट्स जो दिखते हैं, जो हमारी आईलेट वो मूवमेंट नहीं हुआ दूर की डिशन, नज़दीक की डिशन को कन्वर्जेंस हो, उससे हमारी ब्रेन को सेंस इन्फॉर्मेशन जाती है कि कुछ ही दूर है नज़दीक। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन जब हम किसी हम फोक हम जो उस कभी किसी चीज़ की इमेज हमारी आँखों में बनती है तो हम उसकी उसके लिए क्या होते हैं, हमें जाकर उस इमेज को फोकस करते हैं रेटिना पे, डेट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसीज, परसेप्चुअल कॉन्सिस्टेंसीज एक्चुअली हमारे इसमें हमारी लर्निंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट वी हैव लर्न और एक्सपीरियंस, किसी चीज़ के साथ एक्सपीरियंस हो पहले से तो उसका, जैसे साइज कॉन्सिस्टेंसी, अगर आपका कोई दोस्त है अब वो आपको 100 फीट दूर पे दिखाई देगा, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा होगा, आपकी उसकी जो हाइट है आपको वो उतनी परसीव होगी, ऐसा नहीं होगा दोस्त की हाइट एकदम से आपको लगेगा अरे ये तो छोटा है, ऐसा नहीं होगा, आप जनरल मानेंगे हाँ वो उसकी उतनी हाइट है जितनी आप इन जनरल होती है, चाहे वो कहीं पर भी खड़ा हो, 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा होगा तो आप कहेंगे हाँ उसकी हाइट इतनी है, आप परसीव कर दीजिए, साइज कॉन्सिस्टेंसी परसीव हो जाती है, जबकि आपका जो दोस्त नहीं होगा आप उसके बारे में नहीं बता पाएंगे वो कितना उसकी हाइट कितनी है। शेप कॉन्सिस्टेंसी, अब आपकी जो प्लेट, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल लिया, मोबाइल कैसा होता है अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह स्क्वायर, ऑलमोस्ट एक स्क्वायर शेप्ड है, अब मोबाइल को आप थोड़ा सा मोड़िए इधर उधर मोड़िए आपको हमेशा वो स्क्वायर ही दिखाई देगा, यह परसेप्शन आपका स्क्वायर आएगा। ब्राइटनेस कॉन्सिस्टेंसी, ब्राइटनेस कॉन्सिस्टेंसी जो जितनी ब्राइटनेस है आपको उतनी दिखाई देगी, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब भी आपको लगेगा आपके मोबाइल का जैसे मान लीजिए वाइट कलर उतना ही वाइट आपको दिखाई देगा, अनलेस अंडर वो अंधेरे बिल्कुल ऐसे ना हो कि आपको खुद कुछ दिखाई ना दे रहा हो। अब इल्यूजन्स क्या होते हैं, इल्यूजन्स बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है एक्चुअली, इल्यूजन्स में खासियत होती है इसमें मिस परसेप्शन है रिजल्टिंग फ्रॉम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना, हम सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन रिसीव उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इसलिए मिस परसीव कर रहे हैं, डैट इज इल्यूजन।
और ख़ास बात यही सबके साथ, ये इसका जो इफेक्ट होता है सब पे सेम होता है। आपका दोस्त भी उसको उसी तरीके से मिसपरसीव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन इन्फॉर्मेशन, और आप भी। इसको प्रिमिटिव ऑर्गनाइजेशन भी बोलते हैं इल्यूजन्स को। दो बहुत ही फेमस एल्यूजन थ्योरीज हैं, ज्योमेट्रिक एल्यूजन्स, एक है अपेरेंट मूवमेंट ऑफ एल्यूजन ऑफ फाइव फिनोमेना। जो मूवीज़ आप जो देखते हैं ना, मूवीज़ में हमेशा क्या होती है, पिक्चर, अगर आपने देखी होगी पिक्चर्स होती है, अगर पिक्चर्स को आप बहुत तेज़ी से चलाएंगे तो आपको उसमें मूवमेंट दिखाई देगा, दैट इज़ अ फाइव फिनोमेना। और जो ज्योमेट्रिक एल्यूजन्स हैं, एक उसमें मीडियल लाइन एल्यूजन, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एल्यूजन है, जिसमें ए जो ए और बी, अगर आप जो जो आपके सामने जो इस वक्त चैप्टर दिखाई दे रहा है उस पर ए और बी की, अगर आपसे पूछ जाए कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, आप कहेंगे ए छोटी और बी बड़ी है, जबकि दोनों की लेंथ बराबर है, इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिक एल्यूजन। ये जो शहरों में लोग रहते हैं, सिटीज़ में, अर्बन सेटिंग्स में, क्लोज हाउसेस, इसके कारण ये होता है। जैसे हम जो होंगे इसके लिए, जो मीडियल लाइन एल्यूजन है इस पर ज़्यादा ससेप्टेबल है, जो पीपल अर्बन सेटिंग्स में रहते हैं जैसे मैं और आप। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एल्यूजन है ये उनको ज़्यादा होता है, जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली देखते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग। एक्सपीरियंस ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन हमें ये बताता है कि जैसी चीज़ होती है ऐसे जरूरी नहीं हर कोई वैसे ही देखे। इसमें एक्चुअली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए इल्यूजन है। अगर जो चीज़ जैसी वैसी ही हमें दिखाई दे रही होगी तो हमें इल्यूजन कभी होता ही नहीं। सोशो कल्चर इन्फ्लुएंस और परसेप्शन, सोशो कल्चर का मैंने अभी आपको बताया, हडसन वाला परसीव नहीं कर पाए थे, एक तो चैप्टर, एक तो पिक्चर में, ना ही उसमें डियर्स वगैरह को परसीव कर पाए थे। मिलर वर्टिकल लिजन फिगर्स, सीगल कैम्बल हेस्कोविट्स, ये तीन साइकोलॉजिस्ट के नाम याद रख लीजिए, को आंसर लिखते हुए काम आते हैं। कैरियर आउट द एक्सटेंसिव स्टडी लिजन ससेप्टिबिलिटी और अफ्रीकन एंड अर्बन वेस्टर्न अर्बन सेटिंग, इट वॉज फाउंड अफ्रीकन सब्जेक्ट शोड ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू हॉरिजेंटल वर्टिकल एल्यूजन, वेरी वेस्टर्न सब्जेक्ट शोड ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी टू मिलर एल्यूजन। वही है, हडसन ने स्टडी करी अफ्रीका में, जो पिक्चर का जिन्होंने कभी तस्वीरें नहीं देखी थी, मूवी पिक्चर्स नहीं देखी थी, उनको बहुत डिफिकल्टी हुई रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट डिपिक्टेड इन द पिक्चर्स। थैंक यू, ये कंप्लीट हुआ चैप्टर, आप बताइए कि अच्छा लगा।